सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं अर्मद आइगोल्डे और हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं। आज ही के दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम हे प्रभु आनंददाता इस प्रार्थना से करेंगे। तो इसके लिए मैं अदिति शिंदे को आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अदिति शिंदे है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर हे प्रभु आनंददाता यह प्रार्थना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धैर्यशाली धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, सत्यता और एकता का मंत्र बरसा दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। ना करे निंदा किसी की, भूल ना कोई करे, सत्य बोले झूठ त्यागे, प्यार आपस में करे, प्रेम माया स्नेह ममता दिल में अब भर दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, धन्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे। इतनी तो सेवा प्रभु जी आप हमसे लीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। धन्यवाद। हिंदी की कविताएं पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे एक सुंदर कविता 7वीं कक्षा से सानिका क्षीरसागर प्रस्तुत करने वाली है। सुप्रभात, मैं सानिका क्षीरसागर हूँ। मैं 7वीं कक्षा जसपुर में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के मौके पर एक कविता प्रस्तुत करने वाली। कविता का नाम है भाषा। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े, जिसने पूरे देश को जोड़े, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव कथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव कथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को भी जीत लिया, जिसने काल को भी जीत लिया, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में ये कहा जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी, लेकिन सुविचार के बिना ये कार्यक्रम अपूर्ण है।
सुविचार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो आज 8वीं कक्षा के युगांक पाटिल एक अर्थपूर्ण सुविचार पर कहानी प्रस्तुत करेगा। सुप्रभात, मैं युगांक पाटिल 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के मौके पर एक सुविचार से संबंधित कहानी बताऊंगा। समय ही संपत्ति है। एक गांव में सोनू और किट्टू नाम के भाई बहन रहते थे। सोनू बहुत अच्छी स्वभाव की थी। सोनू अपना काम समय पर करती थी। आज का काम कल पर कभी टालती नहीं थी। परंतु उसका छोटा भाई किट्टू लापरवाह और शैतान बच्चा था। कभी भी खुद का काम समय पर नहीं करता था। किट्टू कभी भी अपना होमवर्क प्रोजेक्ट समय पर नहीं करता था। स्कूल में सभी शिक्षक उसे डांटते थे। दिन ब दिन वो लापर बन रहा था। पापा तो उसे समझा कर थक चुके थे। खेल खुद में किट्टू के दिन मजे में जा रहे थे। स्कूल के एग्जाम पास आ गए। आज पापा ने सोनू और किट्टू को बुलाकर कहा, अगले हफ्ते एग्जाम है, सभी पाठ समय पर पढ़ लेना। खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से मार्क लाओ। और हाँ किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम समय पर कभी भी अपना काम नहीं करते। अब तुम बड़े हो गए हो, समय का महत्व जानो। एक बार समय हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस पर किट्टू बोला, मैं कर लूंगा, मैं कल ही कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे खेलने जाना है। और वो देखते देखते खेलने के लिए भाग भी गया। इधर सोनू पापा का कहा मानकर पढ़ाई करने लगी। अब तो एग्जाम को 2 दिन ही बचे थे। सोनू की तैयारी जोर से चालू थी। तभी किट्टू सोनू से बोला, आज मौसम सुहाना है, थोड़ा खेलते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन सोनू नहीं गई। कुछ देर के बाद मौसम बदलने लगा, काले बादल आने लगे। सोनू की चिंता बढ़ने लगी। बारिश में उसके घर की बिजली कट जाती थी। उसने किट्टू से आवाज लगाई, किट्टू किट्टू, जल्दी घर वापस आओ और पढ़ाई करो, वरना कल क्या लिखोगे। तभी भी किट्टू नहीं माना। कुछ देर बाद जोर की बारिश शुरू हुई। अब किट्टू घबरा गया। जब वो वापस घर आया तब घर की ही नहीं पूरे गांव की बिजली गई थी। ये देख के किट्टू को रोना आया। कल मैं परीक्षा में मेरा क्या होगा, मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा, अब तो बिजली भी चली गई, मैं तो फेल हो जाऊंगा। पापा तो गुस्से से चीखे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि समय पर पढ़ाई करो, पर तुम्हें कभी भी समझा नहीं, अब भुगतो। किट्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस समझ आ गया कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। किट्टू को अपनी गलती समझ आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो मित्रों, आज से हम भी ये प्रण लेते हैं कि आज का काम कल पर कभी नहीं टालेंगे, समय का महत्व जानेंगे, सभी काम समय पर करेंगे। समय का महत्व जानकर जिसने उसका सदुपयोग किया उसी का जीवन ही सफल बनेगा। धन्यवाद। बहुत खूब युगांक, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आज
माननीय शिक्षिका प्रिया मिस को दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुप्रभात, मैं प्रिया साल्वे, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आज भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। यह दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राजभाषा है और संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत के बाहर अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और अनेक देशी विदेशी भाषाओं में हिंदी की प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद हो रहा है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जैसे ग्राम तत्सम शब्द है तो गांव हिंदी शब्द है। हिंदी की अपनी ग्रहणशीलता है। जैसे हिंदी ने अनेक भाषाओं के शब्दों को जैसे कि वैसे ग्रहण कर लिया है। जैसे अंग्रेजी शब्द ट्रेन को हिंदी में लोहपथगामिनी कहेंगे, पर इसका उपयोग बोलने में हम नहीं करते। इस तरह हिंदी ने ट्रेन को बोली शब्द बना दिया। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी का व्याकरण भी काफ़ी सरल है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है, जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। हिंदी राष्ट्रभाषा तब कही जा सकती है जब जनता के स्तर पर वह संपर्क की भाषा बन जाए। अर्थात राजभाषा तो वह हो ही जाए, साथ ही एक प्रदेश का निवासी जब दूसरे प्रदेश के निवासी से मिले तो वह अंग्रेजी आदि का प्रयोग न कर हिंदी में प्रयोग करे। तमिल भाषी बांग्ला से मिलने पर आपसी विचार विनिमय हिंदी में करे। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही राष्ट्रभाषा कहला सकती है। जिस तरह एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्रगीत की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक राष्ट्रभाषा की भी आवश्यकता होती है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में संवाद करते वक्त हिचकिचाएं नहीं, गर्व से और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, तभी हिंदी सही अर्थों में राष्ट्रभाषा का गौरव पाएगी। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। धन्यवाद। शुक्रिया प्रिया मिस। हिंदी जैसे पौराणिक भाषा में दोहे का एक अलग ही स्थान है। दोहे हिंदी के कौशल को और भी बढ़ाते हैं। हिंदी के दोहे पूरे विश्व में सबसे अर्थपूर्ण माने जाते हैं। तो आज 10वीं कक्षा से श्रीरंग रेलवे कबीर के अद्भुत दोहे बोलने के लिए आने वाला है। नमस्कार, मैं श्रीरंगानंद किशोर लेम्बे, कक्षा 10वीं मेघनाथ सहा में पढ़ता हूँ। हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज मैं आपको कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे सुनाने जा रहा हूँ। कबीर जी के दोहे हमेशा गुण अर्थों से भरे एवं समाज के लिए मार्गदर्शक साबित हुए हैं। इनका जन्म सन 1368 और मृत्यु 1448 में हुई। ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु उन्होंने
साधु संतों के सत्संगों द्वारा जीवन समाज धर्म के रस्मों का गहरा अध्ययन किया। यही अनुभव इन्होंने दोहों में उतारा। दोहे यानी दो पंक्तियों में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण संदेश जो जीवन के से संबंधित होता है। तो प्रस्तुत है यह दोहे। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। दूसरों को दोष देने से पहले हमें हमारी गलतियां देखनी चाहिए और उनको सुधार लेना चाहिए। ये इस दोहे का अर्थ है। तिनका कब हो ना निंदिए जो पावन तर होए, तिनका कब हो ना निंदिए जो पावन तर होए, कब हो उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है कि पाव तले तिनके कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो तिनका आँखों में चला गया तो पीड़ा होती है, यानी हर मनुष्य का सम्मान करना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़ न डरा रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वह अपनी मंजिल पा लेते हैं, और जो सिर्फ कठिनाई गिनते रहते हैं वह खाली हाथ रह जाते हैं। यह इसका अर्थ है। अति का भला न बोलना अति का भली ने चुप, अति का भला न बोलना अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। इसका अर्थ है कि किसी भी काम का अति न अति करना या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना यह नुकसानदायक होता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सबके मंगल की कामना करता हूँ, ना किसी की दोस्ती तो ना किसी का बैर। संत न छाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत, संत न छाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुआंग बैठिया तो शीतल तानत जंत। इसका अर्थ है कि संत अपना संतता नहीं छोड़ता, उसको कितने भी असंत लोग मिले वो अपना संतता टिका के रखता है। और वैसे ही चंदन पे अगर सांप बैठ गया तो चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। धन्यवाद। शुक्रिया श्रीराम। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने जीवन की वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। तो आज 9वीं कक्षा से सही जगबंधु महादेव वर्मा की आत्मकथा बोलने के लिए आएगी। सुप्रभात, मैं सही जगबंधु कक्षा 9वीं चंद्रशेखर की छात्र आज आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपको महादेवी वर्मा के विषय में बताने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा, इनका जीवन काल 26 मार्च 1907 से लेकर 11 सितंबर 1987 तक था। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। महादेवी वर्मा जैसी महान कवियत्री, इनकी आत्मकथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं महादेवी वर्मा आपको मेरी आत्मकथा से परिचित करने जा रही हूँ। मुझे आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। मेरा जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। मेरे परिवार में लगभग 200 वर्ष या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार कन्या का जन्म हुआ था। मुझे घर की देवी अर्थात महादेवी नाम दिया गया। मेरे पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। मेरी माता हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ एवं
भावुक महिला थी। मेरे माता पिता मेरे जीवन के सबसे बड़े आदर्श थे। मेरी शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने पर कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही थी। मेरी जब आयु 7 वर्ष की थी, तब से मैंने मेरे काव्य जीवन की ओर प्रथम चरण रखा। उस आयु में मुझे कविता लिखने की बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद मेरा विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। विवाहोपरांत मैंने 1919 में क्रॉसफिट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में मैं रहती थी। मैंने 1925 तक मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और तब मैं एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। मैं 20वीं सदी की वो काल जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब की मैं एक महान कवयित्री बन चुकी थी। मेरी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हुई। मेरी प्रथम रचना निहार 1930 में प्रकाशित हुई। इसके व्यतिरिक्त रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, इन जैसे भी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। मेरी इन रचनाओं के लिए मुझे अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया। 1956 में भारत सरकार ने मेरी साहित्यिक सेवा के लिए मुझे पद्म भूषण की उपाधि दी। इससे पूर्व 1934 में निर्जा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार मुझे दिया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए मुझे भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में से एक में शामिल हो गई। मेरा भारत को स्वतंत्र करने के प्रयास में भी योगदान है। मैंने अपनी ओर से अपने कार्य से भारत को हिंदी भाषा के साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त करवाया। मैंने देश का गौरव बढ़ाते हुए और हिंदी भाषा प्रचलित करते हुए अपनी अंतिम सांस 11 सितंबर 1987 में ली। मेरा सद्भाग्य जो मुझे भारत का गौरव बनने का अवसर मिला। तो यह थी महादेवी वर्मा की आत्मकथा। भारत में अनेक महिलाओं ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। उनमें से एक थी महादेवी वर्मा। उन पर हमें गर्व होना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर। हिंदी की शायरियाँ हिंदी के साहित्य को 4 चांद लगाते हैं। हिंदी की शायरियाँ बहुत ही मजेदार होते हैं। शेर व शायरी भारतीय महाद्वीप में प्रचलित एक कविता का रूप है। तो ऐसे ही मजेदार शायरियाँ लेकर आज 8वीं कक्षा से सार्थक गुजर आने वाला है। सुप्रभात, मैं सार्थक महेंद्र गुजर कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। शायरियाँ 4 पंक्तियों में होती है, यानी भावों का परिपूर्ण रचना है। तो आज मैं हिंदी दिवस के मौके पर आपके सामने ऐसे ही कुछ शायरियाँ प्रस्तुत करूँगा। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में भी खेल लेते हैं गिदड़ भी शेर को। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है।
किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी है, मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी है, जब भी देश ने एक सर मांगा हमने झोलियां भर भर के दी है। चलो हम हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाना, हम जिगर आजमाते हैं। मंजिल मिली ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या समेटेगा ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारे से उभरने का हुनर जानते हैं। क्या समेटेगा ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारे से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम हम शांति पाठ से संपन्न करेंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।